देश की पहली वाईफाई पंचायत बनकर सुर्खियों में आई गांव गुमथला गढ़ू की पंचायत अब सुरक्षा की दृष्टि से भी हाईटेक बन गई है। पंचायत ने सुरक्षा को देखते हुए पूरे गांव को सीसीटीवी कैमरों से कवर कर दिया है। गांव के सरपंच गगनजोत संधु ने बताया कि उनके पंचायत ब्लॉक के सबसे बड़े गांव में आती है और ये विधायक जसविंदर संधु का पैतृक गांव भी है। पिछले काफी समय से गांव में नशाखोरी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पंचायत ने अभियान छेड़ा हुआ था, जिसे देखते हुए पंचायत ने गांव की फिरनी पर 13 कैमरे, गलियों, बाजारों, मुख्य चौराहों के आसपास 20 कैमरे लगवाए। अगर कोई तस्कर नशीले पदार्थों की सप्लाई देगा तो उसकी पूरी गतिविधि कैमरों में कैद हो जाएगी। हमारे गांव में 33 सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, जिसकी वजह से हम लोग सब गांव की बहू बेटियां सब लोग अपने आप को बहुत सेफ फील कर रहे हैं, ताकि हम लोग जैसे रात में लेट हो जाता है आने में या कोई भी प्रॉब्लम हो, हम लोग इजीली आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें, शरारती तत्वों से किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, हम लोग बहुत सेफ फील कर रहे हैं। हम लोग बेझिझक होकर इसलिए पहुंच पा रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा एज अ तीसरे का काम कर रहा है हमारे लिए, जिस वजह से हम बहुत सेफ फील कर रहे हैं। तो गांव के जो सरपंच साहब ने बड़ी अच्छी पहल, गांव के सरपंच साहब की तरफ से ये बहुत अच्छी पहल की गई है, जिस वजह से हम लोग बहुत खुश हैं। तो महिलाओं में कहीं ना कहीं खुशी की लहर है गाँव में। हाँ जी बिल्कुल, सब लोग बहुत खुश हैं इस फैसले से सरपंच साहब के। क्या नाम आपका? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सरपंच साहब ने ये हमारे लिए ये फैसला किया है वो ये बहुत अच्छा है। जो हमारे ऊपर तीसरी आंख है यानी कैमरा, और हम इससे सेफ, बहुत सेफ महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो सरपंच साहब ने कहा है कि इससे लड़कियां बहुत सेफ रहेंगी या घर की जो भी बहू बेटियां हैं वो हर तरह से सेफ ही रहेंगी, तो इससे मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा फैसला लिया है। हमारा गांव गुमथला गढ़ू पे पूरी तरह से 4G 10 Mbps स्पीड के साथ वाईफाई से जोड़ा गया है, और बच्चे वाईफाई की सुविधा को बखूबी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एजुकेशन में वाईफाई का, इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है। आज जितने भी प्रोजेक्ट हैं बच्चों के स्कूल में होते हैं, बच्चों को घर आकर उनकी तैयारी करनी पड़ती है, तो सभी के सब इंटरनेट से ही जुड़े जाते हैं, और इससे लोग बहुत खुश हैं, युवा पीढ़ी बहुत खुश हैं। गांव की लड़कियां जिन्हें साइबर के लिए शहर जाना पड़ता था, आज वो अपने गांव में ही बैठकर उस सुविधा का लाभ ले रही हैं। और इसके बाद मुझे एक दिन विचार आया कि क्यों ना हमारे गाँव में जो छोटी छोटी गतिविधियाँ हैं नशे के बारे में, जो लोग आके बताते हैं कि कुछ तस्करी भी होती है या कुछ युवा पीढ़ी नशे की तरफ झुकती नज़र आ रही है, और आज हरियाणा प्रदेश में जैसे कि आपको पता है कि लड़कियों के साथ किस तरह जो दरिंदे हैं वो अलग अलग तरीके घटना करने की कोशिश करने पर रहते हैं, तो हमने उसके ऊपर भी लगाम कसने के लिए हमने विचार बनाया। गांव पंचायत ने इकट्ठा बैठ कर GPDP में हमने इसका प्रस्ताव भी डाला, और ये विचार किया कि क्यों ना गांव की सुरक्षा के लिए CCTV कैमरे लगाए जाएं, और यही विचार जब हुआ तो सबको बहुत अच्छा लगा, और हमने इसे तुरंत पास करके इस पर काम करना शुरू कर दिया। आज हमारे गांव की जितनी भी फिरनी है उस सभी फिरनियों के ऊपर 6 सड़कें आने वाली हैं और सड़कें बाहर भी जाती हैं, उन सभी को हमने CCTV कैमरे से जोड़ दिया गया है, और हर गतिविधि, चाहे कोई गाड़ी अंदर आ रही है या बाहर जा रही है या जो भी लोग हमारी फिरनी पे घूम रहे होते हैं, उनकी सबकी गतिविधियां हमारी तीसरी नज़र के अंदर कैद रहती हैं और रिकॉर्डिंग में इसको ऐड किया जाता है। इससे गांव की लड़कियां बहुत सुरक्षित हैं, गांव की महिलाएं जो बाहर काम करने जाती थी, शाम को लेट आती थी, वो भी आज सुरक्षित हैं। उन्होंने भी महसूस किया है कि कैमरा होने की वजह से जो हुड़दंग बचता था स्कूल के बाद, लड़कियों के पीछे लड़के बाइक लेके घूमते थे या और भी बातें थी, वो सब पे हमने कंट्रोल कर लिया है। अगर ऐसा बच्चा कोई शरारत करता भी है तो हम उसे तुरंत नोटिस में लाकर उसके पेरेंट्स से बात करते हैं कि आपने बच्चों ने ये ऐसा गलत किया है।
तो इससे बहुत अच्छा एक लाभ मिला है और हमारा गांव आज मैं खुश हूं कि हमारा गांव पूरी तरह सुरक्षित है और तीसरी आंख और कैमरे की निगाह के अंदर है। तो पहला प्रदेश का हाईटेक या देश का हाईटेक गांव, कितने कैमरे लगाए गए, कितनी कोस्ट आई, क्या आप लोगों ने खुद पर्सनली खर्चा किया गाँव के पंचायत में? हाँ जी, ये सारा का सारा खर्चा हमने पंचायत से किया है और इसमें हमने फिरने के ऊपर हमारे 13 कैमरे लगे हैं और लगभग 20 कैमरे गांव के अंदर हैं, बाज़ार में हैं, टोटल 33 कैमरे हैं जी। और ये 500 मीटर तक, 400-500 मीटर तक ये कवर करते हैं, रात को ये 150 मीटर तक ये नाइट विजन कैमरे हैं और इसको कवर करते हैं 150 मीटर तक। और पहले कुछ लोगों ने विरोध भी किया, बी सी सी टी वी कैमरे से आने जाने वाली गतियों को आप रिकॉर्ड करोगे, नोटिस करोगे, किसी और आदमी भी आके देख सकता है उसको। लेकिन बाद में जब हमारे गांव में एक दो चोरियां हुई हैं, पीछे हमारे गांव में से 4 मैस चोरी हो गई थी जिनकी कीमत लगभग 5 लाख रुपया थी, और उस घटना के बाद फिर दोबारा लोग तैयार हुए कि नहीं, हमारे CCTV कैमरे लगने चाहिए और तीसरी आँख का जो पैरा है वो लगातार गाँव के ऊपर बनाए रहना चाहिए, जिससे गांव सुरक्षित रहेगा और जो चोरी करने वाले लोग हैं उनको भी लगाम कसी जाएगी। इसके लिए पिहोवा से अंजार टीवी न्यूज के लिए शेखर की रिपोर्ट।